हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एविएटर गेम के बारे में, किस तरीके से एविएटर गेम में फ्रॉड हो सकता है, और साथ में आपको लाइव खेल के भी दिखाऊंगा। और लाइव के अंदर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार किस तरीके से इसमें आपका पैसा डूब सकता है। कंटिन्यूसली अगर आप गेम खेलते हो तो आप किस तरीके से इसके अंदर पैसा हार सकते हो, और एक टाइम बाद जाके आपको पता चलेगा कि यार इसके अंदर आप 100-200-500 रुपए नहीं, आप इसके अंदर लाखों रुपए हार चुके हो। अब एविएटर गेम क्या होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक प्लेन वाला गेम है जहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, आपको वहाँ पे बैट लगाना है, और बैट को वहाँ से वापस अपने को पेमेंट को विड्रॉ करना है, और उसके बीच के अंदर जितने ही मल्टीप्लाई टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब जितना प्लेन ऊपर उड़ रहा है उतने ही आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे वो विड्रॉ नहीं कर पाए या फिर वहाँ पे आप कैश आउट नहीं कर पाए तो क्या होगा कि जितने भी आपने पैसे लगाए थे सारे जीरो हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइव एविएटर गेम की वेबसाइट है जिसके ऊपर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं, ऑटो पे शिफ्ट कर देते हैं। ऑटो पे शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 10 वाले को कर देते हैं कि यहाँ पे 10 नंबर राउंड करते हैं हम, मैक्सिमम कितना 3500 तक जाएंगे और मिनिमम 2500 तक जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको प्ले कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे अब हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना स्टॉप 9, मतलब 9 चांस अभी बाकी है। तो यहाँ पे पहला चल रहा है, पहला कैश आउट अपन ने कितने पे लगाया था, 1.50 पे। ज़्यादा लालच नहीं किया था, उसके बावजूद भी आपको मैं एंड में रिजल्ट दिखाना चाहूँगा कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कितना बचा है अपने पास अमाउंट, यहाँ पे 2800। अभी आप आगे और देखना, तो यहाँ पे हम प्लस हो गए, मतलब 2950 रुपये अभी $50 का यहाँ पे नुकसान चल रहा है। ये सारा फन मोड पे चल रहा है, मतलब डेमो अकाउंट पे चल रहा है। रियल के अंदर तो और भी कुछ अलग हो सकता है, रियल के अंदर तो सच में आपके पैसे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैं तो रियल ना तो किसी को सजेस्ट करता हूँ ना ही मैं खुद खेलता हूँ, तो मैंने सिर्फ आपको डेमो अकाउंट में खेल के ये दिखा रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली ये आइडिया पता चले कि यार इसके अंदर पैसा लग सकता है, किस तरीके से लग सकता है वो चीज़। तो अभी देखो कितने राउंड हो चुके हैं, यहाँ पे 3 राउंड हो चुके हैं, 3 राउंड के अंदर हम ना लॉस में हैं ना ही प्रॉफिट में हैं। अब आगे आते हैं अपन नेक्स्ट राउंड पे, तो यहाँ पे आप देखो ये नेक्स्ट राउंड के ऊपर जाते हैं तो 6 राउंड चल रहा है, तो यहाँ पे 6 राउंड में फिर अपन लॉस में चले गए, तो अभी $100 लॉस में चले गए। 2 गेम हम हारे हैं और 2 ही गेम हम जीते हैं जिसमें भी हमारा $100 का लॉस है। यहाँ पे हमारा 5वां गेम चल रहा है, 5th गेम के अंदर हम प्लस में हुए तो $50 यहाँ पे वापस रिकवर हुआ। अभी भी अपन कितना डॉलर माइनस है, $50। अभी यहाँ पे 6th राउंड चल रहा है, और 6th राउंड के अंदर आप देखो यहाँ पे हमने कैश विड्रॉल किया, तो 6th राउंड के बाद क्या हुआ, हम कितने गेम जीते हैं, कितने गेम हारे हैं आपको भी यहाँ पे दिख गया होगा। अभी हम यहाँ पे 6 गेम जीते हैं और 2 गेम हारे हैं, और उसके बावजूद भी क्या आ रहा है, $3000, मतलब इक्वल पे चल रहा है। अभी यहाँ पे लास्ट पे लेते हैं अपन कितने पे जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो हमारे मन में लालच चल जाता है, 1.5 नहीं बढ़ा देते हैं, 3 पे कर देते हैं, 5 पे कर देते हैं, पैसा तो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो अभी ये सारे राउंड खत्म हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनली बताता हूँ इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो देखो सारे राउंड खत्म हो गए, यहाँ पे आप देखो हमने $3000 से स्टार्ट किया था, कितना आ गया $2900, 10 राउंड खेले, 10 राउंड खेलने में कितना लॉस हुआ, $100 का। और ये डेमो अकाउंट में आपको पहले ही कह रहा हूँ, जब आप रियल मनी लगाते हो ना तो गेम्स के अंदर सारे चेंजेस हो जाते हैं, कोड के अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसीलिए इन गेम प्ले के करने का मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ कि यहाँ से आप पैसा कमाओ, पैसा कमाने के और भी जरिए हैं, वहाँ से पैसा कमाओ। अभी हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे, तो देखो कंक्लूजन क्या निकला है, ओवरऑल जितना भी हमने गेम प्ले किया कितना टाइम वेस्ट हुआ, इस टाइम वेस्ट के अंदर हमारा क्या हुआ, लॉस ही हुआ। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक खेलोगे तो आपके ज़्यादा लॉस होगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। कोई कोई लोग ऐसे हैं जो कि इसके जाल में फंस जाते हैं, उसके जाल में फंसने के बाद एक एक साल दो दो साल तक गेम प्ले कर रहे हैं, और एक एक दो दो साल के अंदर वो अपने जो भी मेहनत का पैसा है वो तो गंवा ही चुके हैं, साथ में लोगों से उन्होंने कर्जा ले लिया है, उनके घर बिक गए हैं, और इन्हीं सब चक्करों की वजह से आज वो डिप्रेशन में हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे को कमेंट्स करते हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो आप मेरे कोई सा वीडियो उठा कर देखो, हर वीडियो के कमेंट्स पढ़ के देखना, आप कमेंट्स के अंदर आपको ढेरों कमेंट्स ऐसे मिलेंगे, ढेरों लोग ऐसे मिलेंगे जो कि सच में ये कह रहे हैं कि यार नहीं हमारा भी पैसा लगा ही है। यहाँ पर जो मेरे कमेंट्स हैं ना उनमें से मैं बोल रहा हूँ 1% भी ऐसे नहीं है जिन्होंने पैसा कमाया होगा, 99% लोग इसके अंदर पैसा डूबा ही रहे हैं, 99% लोगों का पैसा लग ही रहा है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एविएटर गेम मैंने आपको सामने लाइव खेल के दिखाया, लाइव के अंदर भी क्या रिजल्ट निकला, यहाँ पे लॉस ही हुआ, जबकि हमने क्या किया था यहाँ पे 10 गेम ऑटोमेटिक सेट कर दिए, ना हमने ज़्यादा लालच किया ना ही हमने ये सोचा कि नहीं हमारे ज़्यादा पैसा कमाना है, बिना लालच के हमने कितना किया, सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर 0.5x मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर भी हमारे यहाँ पे लॉस हुआ है। वो गेम कितने, 10 में से कितने गेम जीते, यहाँ पे 10 में से खाली 3 गेम हारे, 7 गेम जीते, 7 गेम जीतने के बाद भी $100 का लॉस। आप हर 3 में से एक गेम भी जीतोगे ना तो भी आप लॉस ही करोगे। तो यही आपसे गुजारिश रहती है हमेशा कि आप इस तरीके के लालच में ना फंसो, और एक रियल
अर्निंग वाले किसी सोर्स को ढूंढो जहां पे आपकी स्किल काम आती हो, जहां पे आपकी स्किल डेवलप होती हो। तो ये वीडियो मैं यही एंड करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।